खबर इटावा से है, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इटावा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष पद प्रत्याशी अनिल कुमार गौर ने 350 से अधिक युवा अधिवक्ताओं का सम्मान किया, उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इससे पहले उन्होंने महिला अधिवक्ताओं को भी सम्मानित किया था तथा प्रतीक चिन्ह दिए थे। सम्मानित हुए युवा अधिवक्ताओं ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है, इससे युवा अधिवक्ताओं में एक नया जोश पैदा होता है और अधिवक्ता एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि यह सम्मान युवा अधिवक्ताओं तथा महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इसके लिए हम सभी युवा अधिवक्ता अनिल कुमार गौर जी के आभारी हैं। जयवीर सिंह सेंगर, एडवोकेट। आज जो आप लोगों का ये सम्मान समारोह है, किसके द्वारा हो रहा है? हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल कुमार गौर जी, उनका ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। 10 साल तक के जो युवा इस वकालत में हैं उनका आज सम्मान किया जा रहा है। ये अनिल कुमार गौर जी की बहुत अच्छी पहल है, ऐसा युवाओं को बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगभग 350 युवा इस सरस्वत सम्मान के भागीदार बनेंगे। इससे पहले भी महिलाओं का सम्मान किया गया था। बहुत अच्छी पहल है भाई साहब, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, हमेशा आश्वासन दिया है अध्यक्ष जी ने कि हमेशा हर साल ये सम्मान बरकरार रहेगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसे सम्मान बढ़ने से युवा बढ़ते हैं आगे, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को वरिष्ठ अधिवक्ताओं करना चाहिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। राहुल कुमार, हम यहाँ युवा अधिवक्ता जब भी आते हैं यहाँ पर नई कचहरी में आते हैं तो हमको तुरंत वकालत तो नहीं समझ में आती है। हम लोगों को वकील से विद्वान अधिवक्ता बनाने में हमारे सीनियर का पूरा सपोर्ट रहता है, जिस कारण हम लोग वकील से विद्वान अधिवक्ता बन पाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित सीनियर अधिवक्ताओं के लिए तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने इतना हमें काबिल किया और हमें सपोर्ट दिया और आगे भी हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरक्की करते रहे। मेरा नाम लव राजपूत, एडवोकेट है। आज इटावा कचहरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि युवा अधिवक्ता का सम्मान किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी अनिल कुमार गौर जी का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ता रहे और उन्हें ऐसे ही उत्साह मिलता रहे, अपने वकालत के क्षेत्र में और तरक्की करते रहें। धन्यवाद ऐसे अध्यक्ष जी का। प्रदीप राजपूत, एडवोकेट। सम्मान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सम्मान के बारे में, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो प्रोग्राम शुरू किया है, इससे हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी इस कचहरी के हिस्से हैं और बहुत उत्साह लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि उनके द्वारा हमें सम्मान किया जा रहा है। बहुत खुशी है हमें तो। हमारा नाम मोहम्मद कफील, एडवोकेट है। देखिए, ये सम्मान जो आज किया जा रहा है हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गौर जी द्वारा किया जा रहा है, और जो आज ये सम्मान हो रहा है ये पहली बार ऐसा है कि जो इतना जो युवा अधिवक्ताओं को सम्मान मिल रहा है, जो इसकी बदौलत जो सिर्फ अनिल कुमार गौर जी को इसका श्रेय जाता है, और जो ये हम लोगों को ही नहीं, ये इससे पहले महिला अधिवक्ताओं को भी सम्मान दिया गया, और जो इन फ्यूचर अभी कुछ समय के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी ये सम्मान दिया जाएगा। हुकुम सिंह यादव जी, श्री अनिल कुमार गौर जी द्वारा युवाओं अधिवक्ता लोगों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें हम सब लोग बहुत खुशी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है युवा अधिवक्ताओं को। इससे युवा अधिवक्ताओं में जोश उत्पन्न होगा और वो गौरवान्वित अपने आप को करेंगे। क्या इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है? हाँ जी, इस तरह का कार्यक्रम ये पहली बार हुआ है। जो पूर्व में भी उन्होंने लेडीजों के लिए किया था और अब की बार लड़कों के लिए ये युवा जो अधिवक्ता हैं उनके लिए। शानवाज अली, एडवोकेट जी। ये सम्मान पहली बार इटावा कचहरी में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी द्वारा किया गया है, और इस सम्मान से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। ये सम्मान हर युवा अधिवक्ता का जो कचहरी में LLB करने के बाद आते हैं प्रैक्टिस में, उनका समय समय पर होता रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है युवा अधिवक्ता में जोश और वकालत के प्रति लगाव प्रति पैदा होता है। ये सम्मान बहुत ही अच्छा सम्मान हुआ है और ये पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ है इटावा कचहरी में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गौर जी द्वारा। धन्यवाद। ये अनिल कुमार गौर जी द्वारा किया जा रहा है, जो 10 साल के प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता हैं,
उनका सम्मान हो रहा है और आगे जाके जो 20 साल वाले होंगे उनका भी सम्मान होगा और जिनको प्रैक्टिसम 25 साल से ऊपर होगी उनका भी सम्मान होगा। 3 चरणों में सम्मान हो रहे हैं ये। इससे पहले भी सम्मान महिला, हाँ महिलाओं का सम्मान हुआ था, 1300 सम्मान हुआ था महिलाओं का, अब ये 3 चरणों में होगा सम्मान। आप किस तरह देख रहे हैं, मतलब अच्छी पहल है क्या? अच्छी पहल है, नए अधिवक्ताओं में इससे जोश आएगा। ठीक है, वकालत के प्रोफेशन में सबको मोटिवेट करने की जरूरत होती है अधिवक्ताओं को। टावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।